ओम शांति, ओम शांति। इस अव्यक्त मास में अव्यक्त बाप दादा हम सभी बच्चों को विशेष यही इशारा देते हैं कि बच्चे स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनो। बाप दादा ने इस अव्यक्त मास में सर्वसमर्थी हम बच्चों को विल कर दी है और इसीलिए संगम युग की एक एक घड़ी की महत्व को समझते हुए इस अमूल्य समय का वरदान हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करें। जितना जितना बाबा की याद में रहते हुए स्मृति स्वरूप होते जाते हैं उतना आत्मा में समर्थी आ जाती है, क्योंकि बाबा सर्वसमर्थ है और इसलिए ऐसे सर्वसमर्थ बाबा का जब हम बच्चों ने हाथ पकड़ा है तो बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक पर अनुभव करते हैं। बाबा अमृत वेले से हम सब बच्चों को सर्व सामर्थ्यों का वरदान देते हुए हमें सशक्त करते हैं। साथ ही साथ मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ संकल्पों का खजाना है। जितना मुरली के महावाक्य को हम स्वयं में मनन करते जाते हैं, बुद्धि को मनन करने में बिजी रखते हैं, तो आत्मा के अंदर वो ज्ञान की शक्ति की समर्थी सहजता से आ जाती है, जो हमें सहज ही अनेक प्रकार के व्यर्थ के चक्र से और माया जीत होने के लिए हमें सशक्त करती है। परंतु इस मुरली को सिर्फ सुनना नहीं है, मुरली को सुनते हुए स्वयं में समाते हुए स्वरूप बनना है, क्योंकि मुरली के महावाक्य तभी हमें समर्थी प्रदान करता है। अगर सुन लिया समाया नहीं, स्वरूप नहीं बने तो वो समर्थी नहीं आता। तो इसीलिए बाप दादा हम बच्चों को कहते हैं निरंतर मुरली का अध्ययन करते हुए उसको अपने स्वरूप में समाते जाओ, अपनी धारणाओं में सशक्त होते जाओ, तभी ये समर्थी का अनुभव हम सहजता से कर सकते। तीसरा, बाबा की श्रेष्ठ मत हमें समर्थी प्रदान करती है। सारा दिन बाबा के हाथ में अपना हाथ देकर निरंतर चलते रहना है। बाबा का हाथ है ही श्रीमत का हाथ, और इसीलिए जब हम अपने बुद्धि रूपी हाथ को श्रीमत के हाथ में दे देते हैं, हर श्रीमत को पालन करते जाते हैं, तो ये श्रीमत ही हमें समर्थ आत्मा बना देती है। साथ ही साथ श्रेष्ठ स्वमानधारी बनना, जब हम स्वयं में सुबह सुबह ये श्रेष्ठ स्वमान धारण कर लेते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान समर्थ आत्मा हो, तो धीरे धीरे आत्मा का मनोबल बढ़ता है, आत्मविश्वास जागृत होता है, और उस आत्मविश्वास से जब श्रीमत का प्रयोग करते हैं, ज्ञान की हर एक पॉइंट को हर कर्म में व्यवहार में
प्रयोग करते हैं तब हम सर्व सिद्धि को जीवन के अंदर अनुभव कर सकते हैं। साथ ही साथ ड्रामा के विभिन्न सीनों को देखते हुए अपने पार्ट को दूसरे के पार्ट के साथ भेंट न करें, क्योंकि जब भेंट करते हैं तो अनेक प्रकार के व्यर्थ या दिल शिकस्त सहज हो जाते हैं और तब आत्मा की जो सामर्थ्य है वो भी क्षीण होने लगती है। परंतु ड्रामा को देखते हुए जब मन में ये निश्चय कर लेते हैं कि हर आत्मा का पार्ट अपना अपना है, तब सहजता से हर एक के पार्ट को देखते हुए न्यारा और प्यारा रह सकते हैं और उसी से हम स्वयं की सामर्थ्य को भी जागृत करें और बाबा की मदद को हर पल अनुभव करते हुए, वरदानों को हर पल अनुभव करते हुए स्वयं को शक्तिशाली समर्थ आत्मा बना सकते हैं। साथ ही साथ जीवन के अंदर अपने पुराने संस्कारों के वशीभूत होने के बजाय निरंतर हम अपने आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करें, क्योंकि आदि अनादि संस्कार हमारे शक्तिशाली संस्कार है। जब वो सात्विक शुद्ध सतोप्रधान संस्कारों को इमर्ज करते हुए हर कार्य करते हैं तब समर्थी का सहज अनुभव होने लगता है और परिस्थिति के वश होने के बजाय मैं आत्मा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्थिति में स्वमान में स्थित होकर के हर कार्य सहजता से करके विजयी होने का अनुभव करते हैं। जैसे जैसे हम स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनते जाते हैं तो समर्थ आत्मा का साथी हमेशा सर्वशक्तिमान बाप होते हैं। साथ ही साथ बाबा के वरदानी हाथ को अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे और बाबा के सकाश से, बाबा के मस्तक से शक्तिशाली किरणों को स्वयं में अनुभव करते हुए हर रीति से सफलता का अनुभव करते हैं, अर्थात सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार बन जाती है। तो चलिए कुछ क्षण के लिए श्रेष्ठ स्वमान के आधार पर स्वयं को स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप बनाएं। कुछ क्षण के लिए अपने मन को इस श्रेष्ठ स्वमान में स्थित करें कि मैं आत्मा सर्वसमर्थ आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूं और सर्व समर्थी बाप दादा ने वरदान रूप में मुझे प्रदान की है। मैं आत्मा कितनी न सौभाग्यशाली जो परमात्मा के श्रीमत का हाथ पकड़ते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाती जा रही है।
ज्ञान की मुरली उस स्वरूप में लाते हुए सहज ही सर्व समर्थ होने का अनुभव करती है। मैं आत्मा समर्थ बाप की संतान, बाबा के वरदानी हाथ मैं अपने मस्तक पर अनुभव करती हूं। और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ओम शांति।